फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फेमस इंग्लिश एसेइस्ट ईवी लुकस का बहुत ही शानदार और मज़ेदार एसे द टाउन वीक। काफ़ी सिंपल एसे हैं, फिर भी इसे और ज़्यादा सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अबाउट द एसे, दिस एसे इज टेकन फ्रॉम हीज बुक फायर साइड एंड सनशाइन। ये एसे ईवी लुकस की बुक फायर साइड एंड सनशाइन से लिया गया है। इट इज़ रिटन इन ईजी कन्वर्सेशन स्टाइल। इस एसे को कन्वर्सेशन स्टाइल में लिखा गया है। इट इज़ फुल ऑफ ह्यूमर एंड डेजलिंग इंसाइट। इस एसे में राइटर की समझदारी और थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, एक बार एसे के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि इस एसे में ऑथर ने सप्ताह के 7 दिनों के बारे में बताया है। सप्ताह के 7 दिनों की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, इन दिनों में कौन कौन से काम किए जाते हैं, ऑथर का फेवरेट दिन कौन सा है, सप्ताह का बेस्ट दिन कौन सा है, साथ ही टाउन के लोगों का इन 7 दिनों में क्या क्या मूड होता है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ये सब हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। In the essay, ईवी लुकस gives the characters of the 7 days of the week. इस essay में writer ईवी लुकस ने सप्ताह के 7 दिनों यानी कि मंडे, ट्यूजडे, वेजडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे के बारे में बताया है। He very artistically painted various moods and attitudes of the urban people in the 7 days of a week. Urban people यानी कि शहर के लोगों का मूड सप्ताह के 7 दिनों में कैसा रहता है, इसके बारे में ऑथर ने बताया है। लेट अस कंसिडर द क्वालिटीज़ ऑफ द 7 डेज ऑफ द वीक। आइए सप्ताह के 7 दिनों की क्वालिटीज़ को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है मंडे। मंडे हैज़ अ पॉजिटिव कैरेक्टर। मंडे यानी कि सोमवार के बारे में बताते हुए लुकस कहते हैं कि मंडे पॉजिटिव कैरेक्टर रखता है, यानी कि पॉजिटिविटी मंडे की विशेषताएँ। इट बिगिंस द वीक, यह सप्ताह की शुरुआत कर देता है, यानी कि संडे को सप्ताह खत्म हो जाता है और फिर मंडे को वापस इसकी शुरुआत हो जाती है। मंडे इज अ फ्लैट, और इसीलिए मंडे सबको बुरा लगता है क्योंकि अभी तो सप्ताह की शुरुआत है, कई दिन काम करने के बाद वापस संडे आएगा। इट कम्स आफ्टर संडे, और मंडे संडे के बाद आता है। ऑन मंडे पीपल वेक अप फ्रॉम देयर ड्रीमी एंड लेजी लैंग्योर। मंडे के दिन लोग अपने आलसीपन को छोड़ देते हैं। द डे सिम्स फ्लैट एज ई विदाउट एनी कलर एंड फ्लेवर। मंडे को बिना कलर और बिना फ्लेवर का दिन माना गया है। ऑथर ने ऐसा क्यों कहा है, आगे वो बताते हैं। संडे इज़ द डे ऑफ लेजीनेस, क्योंकि संडे लेजीनेस का दिन होता है और संडे के बाद ही मंडे आता है। मंडे कम्स अगेन एंड अगेन, संडे के बाद मंडे बार बार आ जाता है और हमें फिर से काम पर लगा देता है। ऑन मंडे वी फील ऑन सॉलिड ग्राउंड, और मंडे को हम सॉलिड ग्राउंड यानी कि वास्तविक धरातल पर आ जाते हैं क्योंकि सैटरडे और संडे का हमारा जो लेजीनेस होता है वो मंडे को ख़त्म हो जाता है। दिस डे इज़ नॉट न्यू, ये दिन नया नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज द सेम, यह हमेशा ऐसा ही रहता है। वन फील्स रिवोल्टेड ऑन दिस डे, कुछ लोगों को मंडे बहुत बुरा लगता है क्योंकि कुछ आलसी लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि मंडे आए क्योंकि मंडे के दिन उन्हें वापस काम पर जाना पड़ता है। देर इज़ नो ग्लिटर ऑन मंडे इवनिंग, मंडे की इवनिंग में कोई चमक नहीं होती क्योंकि लोगों को पता है कि अभी तो कई दिन गुजारने तब जाकर वापस संडे आएगा। अब ऑथर लुकस सप्ताह के 2nd दिन के बारे में बताते हैं जो है ट्यूजडे यानी मंगलवार। द राइटर सेज दैट सम लेडीज़ कैन नॉट राइट द स्पेलिंग ऑफ ट्यूजडे करेक्टली। राइटर कहते हैं कि कुछ लेडीज़ होती हैं जो ट्यूजडे की करेक्ट स्पेलिंग नहीं लिख पाती क्योंकि ये स्पेलिंग थोड़ी अजीब होती हैं और कई बच्चे भी इसकी स्पेलिंग सही नहीं लिख पाते। दे यूज़ ई यू इन प्लेस ऑफ यू ई। ट्यूजडे की स्पेलिंग में वे यू ई की जगह ई यू लिख देते हैं जिससे स्पेलिंग गलत हो जाती हैं। ट्यूजडे इज़ बेस क्रावन, ट्यूजडे उत्साहहीन होता है। दिस डे इज़ कम्पेयर टू अ स्मॉल बियर, ट्यूजडे की तुलना स्मॉल बियर से की गई है जो किसी काम की नहीं होती, इसमें हल्का सा नशा होता है। और अब ट्यूजडे के बाद आता है वेंसडे यानी बुधवार। द वीक लुक्स मोर स्टीरिंग एंड एनर्जेटिक ऑन वेंसडे। वेंसडे के बारे में बताते हुए राइटर कहते हैं कि इस दिन हलचल शुरू हो जाती हैं और यह दिन एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जावान भी होता है। इट इज़ फेवरेट डे ऑफ द ऑथर,
और ये दिन ओथर का फेवरेट दिन भी है। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओथर का फेवरेट डे कौन सा है, तो इसका आंसर होगा मेंस डे। फ्रेंड्स आर इजीली एसेसिबल दैट डे एज दे रिमेन एट देयर टाउन होम। और इस दिन आपके फ्रेंड्स भी आपको इजीली उनके घर पर ही मिल जाएंगे, क्योंकि इस दिन सभी अपने घर पर ही रहते हैं, वरना संडे को तो सभी कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं। दिस डे इज़ गुड एंड ऑनेस्ट, ये दिन बहुत ही अच्छा और ईमानदार है। फ्रेंड्स आर फाउंड ऑन दिस डे, और इस दिन फ्रेंड्स भी आपको घर पर ही मिल जाते हैं। द पॉलिटिशियंस डू नॉट होल्ड मीटिंग्स ऑन दिस डे, पॉलिटिशियंस यानी कि कोई भी नेता इस दिन अपनी मीटिंग फिक्स नहीं करते, क्योंकि वे सोचते हैं कि मेंस डे को अगर वे मीटिंग फिक्स करेंगे तो फ्लॉप हो जाएगी। और इस दिन कई पेपर्स भी पब्लिश होते हैं और लोग इन्हें पढ़ने में टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। वेंसडे के बाद आता है अपना थर्सडे यानी गुरुवार। द राइटर सेज दैट ऑन थर्सडे पीपल रिटर्न टू द फोल्डिंग ऑफ द हैंड्स। द फोल्डिंग ऑफ द हैंड्स यानी होता है हाथों को समेटने का दिन, यानी कि सामान को पैकिंग करने का दिन। ओथर कहता है कि सैटरडे और संडे को लोग कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, और इसलिए वे एक दो दिन पहले यानी कि थर्सडे से ही सामान की पैकिंग शुरू कर देते हैं। इट इज़ नॉट थर्सडे, थोर ए गॉड है। ओथर कहता है कि यह दिन थोर का दिन नहीं है। थोर इज़ द गॉड ऑफ थंडर एंड ब्लैक स्मिथ। थंडर यानी होता है गर्जन और ब्लैक स्मिथ यानी होता है लोहार। थोर गर्जन और ब्लैक स्मिथ के देवता हैं। आगे राइटर कहता है कि थर्सडे इतना भयंकर गर्जन वाला दिन नहीं है, इसलिए थोर का दिन नहीं है। द राइटर कंपेयर्स थर्सडे टू शैम्पेन। शैम्पेन एक टाइप की स्ट्रॉन्ग वाइट शराब होती है। दोस्तों जब हमने ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को पढ़ा था तो ऑथर ने इसे स्मॉल बियर से कंपेयर किया था, लेकिन यहाँ पर ऑथर ने थर्सडे को स्ट्रॉन्ग वाइट शराब यानी कि शैम्पेन से कंपेयर किया है। थर्सडे के बाद हमारा जो नेक्स्ट डे है वो है फ्राइडे यानी शुक्रवार। फ्राइडे इज़ अ बिजी डे। ऑथर कहते हैं कि फ्राइडे एक बिजी दिन होता है, इसका रीज़न वे आगे बताते हुए कहते हैं, ऑन दिस डे पीपल पैक देयर बैग्स टू इन्जॉय सैटरडे एंड संडे, क्योंकि सैटरडे और संडे को घूमने के लिए लोग इस दिन अपने बैग्स पैक कर लेते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे ऑफ द वीक, यह सप्ताह का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। इट कम्स बिफोर सैटरडे एंड संडे, ये दिन सैटरडे और संडे के पहले आता है, और सैटरडे और संडे इन्जॉय करने के दिन होते हैं, और इनसे पहले आने के कारण फ्राइडे को लोगों में एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। इट इज़ द बेस्ट डे ऑफ वीक, यह वीक का बेस्ट दिन है। दोस्तों ऑथर ने इस ऐसे में दो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं। सप्ताह का बेस्ट दिन तो फ्राइडे है, लेकिन ऑथर का फेवरेट दिन वेंसडे है। पीपल थिंक अबाउट फ्राइडे व्हेन वर्क स्टॉप ऑन दिस डे। कुछ लोग सोचते हैं कि फ्राइडे यानी शुक्रवार को काम बंद हो जाता है। दोस्तों अब फ्राइडे के बाद आते हैं सैटरडे और संडे यानी शनिवार और रविवार। ऑथर ने इन दोनों डेज को अलग अलग डिफाइन न करके एक साथ एक्सप्लेन किया है, क्योंकि उसका मानना है कि इन दोनों दिनों में काफ़ी चीज़ें सिमिलर होती हैं। इन सम फैमिलीज बोथ द डेज आर फ्रेंडली। कुछ फैमिलीज में सैटरडे और संडे दोनों दिन फ्रेंडली होते हैं। इन अदर फैमिलीज बोथ डेज आर पास्ट डिफरेंटली। लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें ये दोनों दिन लड़ाई झगड़ों में गुजर जाते हैं। द राइटर रिमेंबर्ड सोक्रेट्स एंड हिज वाइफ। द नेम ऑफ हिज वाइफ वॉज जेंटिपी। राइटर ग्रेट फिलोसोफर सुकरात और उसकी वाइफ जेंटिपी को याद करते हैं। द हस्बैंड एंड द वाइफ वर नॉट ऑन गुड टर्म्स। इन दोनों के बारे में बताते हुए ऑथर कहता है कि इन दोनों के आपस में रिलेशन अच्छे नहीं थे, वे सैटरडे और संडे को अक्सर लड़ते झगड़ते रहते थे। द राइटर वॉन्ट्स टू से डेट एज सोक्रेट्स एंड हिज वाइफ वर नॉट फ्रेंडली। राइटर हमें बताना चाहता है कि सुकरात और उसकी वाइफ एक दूसरे के साथ फ्रेंडली नहीं थे। इन सम हाउसेज बोथ डेज आर पास्ट डिफरेंटली। आगे राइटर कहते हैं कि अलग अलग घरों में इन दोनों डेज को अलग अलग तरीके से गुजरा जाता है। ऑन सैटरडे पीपल एंजॉय देमसेल्व्स। सैटरडे को लोग अपने तरीके से इस दिन को एंजॉय करते हैं। दे फील रेस्टलेस और कुछ लोग बेचैन रहते हैं। सम पीपल आर गॉडली। कुछ लोग गॉड में बिलीव करने वाले होते हैं। दे पास संडे इन प्रेयर्स। ये लोग संडे को प्रेयर करने में, भगवान के सामने माथा टेकने में और घंटियों को बजाने में ही गुजार देते हैं। फॉर मोस्ट पीपल सैटरडे इज़ नॉट अ डे एट ऑल। अधिकतर लोगों के लिए सैटरडे तो दिन ही नहीं है।
रेदर इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आवर्स, बल्कि ये तो कुछ घंटों का कलेक्शन है, क्योंकि सैटरडे को सभी जगह हाफ डे ही काम होता है। इट हैज़ नो डेफिनेट कैरेक्टर, इन दोनों डेज का कोई फिक्स कैरेक्टर नहीं होता, यानी कि आदमी इन्हें जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकता है। द राइटर सेज दैट पीपल टेक इंटरेस्ट इन द बैरोमीटर, राइटर कहता है कि लोग टेम्परेचर मापने वाले बैरोमीटर में भी इंटरेस्ट रखते हैं। राइटर इससे लोगों के नेचर की भी चेकिंग करता है कि कैसे लोग अलग अलग दिन को अलग अलग कामों में स्पेंड करते हैं। द राइटर फ्रेंकली सेज दैट वी कैन नॉट एनालाइज सैटरडे एंड संडे,